हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं बिजनेस टू बिजनेस एंड सर्विस मार्केटिंग के क्वेश्चंस के ऊपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूँ। टोटल 12 क्वेश्चन हैं। जी हाँ, टोटल हमारे 12 क्वेश्चन हैं और इनको सबको अभी ही कंप्लीट करेंगे। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है तीसरा वाला, कम से कम मैं ये क्वेश्चन छठी से सातवीं बार MBA में रिकमेंड कर रहा हूँ, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और ये इतना मोस्ट, मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह सकते हो कि बार बार आता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ना केवल B2B में, मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग कभी कुछ HR के अंदर भी, सर्विस के अंदर भी आ जाता है, कुछ सर्विस रिटेल, सर्विस इंडस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी आ जाता है। BTech में एक सर्विस करके एक सब्जेक्ट है हमारा, वहाँ भी ये क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। इसलिए मोस्ट प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है ये। जब भी क्वेश्चन हमारे को अगर सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दिखता है, इसका क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। इतना मैंने इसका व्याख्यान करा तो इसके आने की चांसेस भी सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, एज पर माय नॉलेज। ठीक है, ये है गैप मॉडल। अब ये गैप मॉडल क्या होता है? गैप मॉडल का मतलब इस तरीके का गैप इमर्ज होना। अब ये पांच तरीके के गैप बताए गए इस मॉडल में। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर है, वो कहीं पर गया है ना, उसने कोई सर्विस ली, वो सर्विस लेने के बाद उसको लगा कि इस तरीके से सर्विस मिलने चाहिए थी, लेकिन सर्विस उस तरीके की मिली नहीं। अब ये मान लेते हैं कि होटल में रुकना था उसको 2 days के लिए, है ना, 2 days के लिए उसका होटल में स्टे था, वो बंदा था अकेला, वो गया होटल में और उसने मन के अंदर परसेप्शन बना रखी कि 5-star होटल है तो इस तरीके की सर्विस मिलेगी, एक बंदा यहाँ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। गया वॉशरूम के अंदर, देखा तो भैया चप्पल जो थी वो फटी हुई निकली, चप्पल जो थी वो कहानी निकली। तो अब क्या हो गया, उसके अंदर गैप इमर्ज हो गया। तो एक्चुअल जो सर्विस का परसेप्शन जो था उसका, और जो एक्चुअल उसने सर्विस गैप अर्न करी, इसमें एक गैप इमर्ज हुआ। तो SC को गैप मॉडल बोला गया। इसमें यह कहा गया कि जो कंज्यूमर है उसको 5 kinds of gap मिलते हैं, ठीक है, 5 तरीके के गैप इमर्ज होते हैं उसकी सर्विस देने में, मतलब कि सर्विस जो ऑनगोइंग हो रही है, पोस्ट हो रही है, सर्विस की एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि मैनेजमेंट कुछ और ढंग से भी सोच सकता है, मैनेजमेंट सोच सकता है कि फ्रिज जो है वो बड़ी साइज़ का होना चाहिए। अब कंज्यूमर है वो छोटी साइज़ का फ्रिज होटल में डिमांड कर रहा है ना, वो कह रहा है कि लॉन्च का एरिया जो उसका बाहर का लॉन्च का एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। कंज्यूमर कह रहा है इतना बड़े की क्या ज़रूरत है। वो कह रहा है कि म्यूज़िक होना चाहिए, कंज्यूमर सोच रहा है नहीं होना चाहिए। तो दोनों का परसेप्शन के कारण भी गैप इमर्ज हो जाता है, इसी को ही गैप मॉडल बोला गया। ठीक है, बेसिक मतलब समझ में आ गया ना। अब अपन 5 तरीके के गैप पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला गैप है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन। कंज्यूमर कुछ और सोच रहा है और मैनेजमेंट कुछ और अज्यूम कर रहा है। यानी कि कंज्यूमर ने सोचा कि अगर होटल है तो वहां पर येलो एंड वाइट टोन में मेरे को लाइटें देखने को मिलेगी, जबकि वो गया तो वहां पर उसको ब्लू एंड रेड टोन में लाइटें देखने को मिली या ग्रीन टोन में लाइटें देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? क्योंकि उसको मन में परसेप्शन आया कि ये ऐसा चीज़ है। जैसे कि हमारे बोर्ड पे ऊपर देखा जाए, सर वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड में आप देखने को मिलता है, सर नॉर्मली आप वाइट और ब्लैक के मार्कर से देखने को मिलता है, ग्रीन बोर्ड तो बिल्कुल मेरे को लगता है नहीं कि कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अभी चल रहा होगा यूट्यूब पे जो ग्रीन बोर्ड को प्रिफर कर रहा होगा, क्योंकि ग्रीन बोर्ड पे ही पढ़ते हुए आए हम। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो एक परसेप्शन के कारण, और जो फर्स्ट मैनेजमेंट और इनकी साइकोलॉजी में जो गैप इमर्ज होता है उसको फर्स्ट गैप बोला गया। सेकंड गैप क्या है? सर्विस क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन गैप। दिस में इनएबिलिटी टू पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टू ट्रांसलेट कस्टमर एक्सपेक्टेशन इनटू सर्विस क्वालिटी। यानी कि वो सोच रहा है कि अगर उसने 150-200 रुपये की कोई कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, 300 रुपये की कोई कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, तो उसके अंदर कुछ अलग तरीके की क्वालिटी आएगी जो मैनेजमेंट मीट नहीं कर पाता। तो इसके कारण जो गैप इमर्ज होता है वो सर्विस क्वालिटी का होता है। यानी वो होटल में आया, उसकी जो चेक इन की जो प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं हो पाई, तो ये सर्विस क्वालिटी का गैप इमर्ज हो गया पहला। तो कंज्यूमर कुछ और ही सोच रहा है, मैनेजमेंट कुछ और ही सोच रहा है। मैनेजमेंट सेकंड में वही सोच रहा है जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, वो चेक इन करना चाहता है, मैनेजमेंट भी चेक इन करना चाहता है, लेकिन यहां पर जो गैप हो रहा है वो उसकी क्वालिटी वाइज में इमर्ज हो गया। थर्ड कौन सा गैप है?
थर्ड आते हैं अपन, हाँ, सर्विस डिलीवरी के अंदर। अब वो चीज़ तो मिली है, लेकिन एक लाने का उसको तरीका होता है। एक चेक इन के लिए उसको चलिए बात तो कर ली, एक लाने का तरीका होता है, एक बात करने का वे टू बिहेवियर होता है। वो एक कंज्यूमर का माइंडसेट होता है कि इस तरीके की मेरे को सर्विस इस क्वालिटी की इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर वो अगर इमर्ज नहीं वो उस क्वालिटी पर, यहाँ पर कंज्यूमर के माइंडसेट पर बात हो रही, अगर वो उस तरीके से बात नहीं मिलती तो वहाँ पर एक गैप इमर्ज हो जाता है जो सर्विस की डिलीवरी में गैप है। सबसे पहला गैप, अच्छा इसको रिवाइज करते हुए चलना, देखो एग्जाम का दिन है इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। एक तो मैनेजमेंट है ना और कंज्यूमर के परसेप्शन में गैप है, दोनों अलग अलग बातें सोच रहे हैं। सेकंड, क्वालिटी के अंदर कोई गैप आ रहा है, ठीक है। और थर्ड किसके अंदर है, डिलीवरी के अंदर कोई गैप आ रहा है, ठीक है। ये तीन गैप तो आपको समझ में आ गए होंगे। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन गैप, अरे उस होटल में गए थे तो हमें तो दो कोल्ड ड्रिंक एक्स्ट्रा दी, आपको नहीं दी वेलकम ड्रिंक पे, तो ये जो गैप इमर्ज आ रहा है। अब हो सकता है कि उस समय कुछ ऑफर चल रहा हो सकता है कि उस समय उनके पास कुछ इस तरीके की स्कीम हो, या अब नहीं देने का प्रावधान हुआ हो, कोई कोविड की कोई गाइडलाइंस हो, कुछ भी एनीथिंग। लेकिन कभी कभी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के कारण भी एक गैप इमर्ज हो जाता है। ये प्रोडक्ट से तो हम 7 दिन में गोरे हो गए थे, आप तो 15 दिन लगा रहे हो आनंद जी, आप भी आज भी गोरे नहीं हो पाए। तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन गैप होता है, क्लियर हो रही ना बात। तो ये कभी दूसरों के कारण एक गैप इमर्ज हो जाता है, दूसरे की चीजें को देख के सुन के समझ के या वे टू बिहेव करके, तो एक गैप इमर्ज हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस इमर्ज हो जाता है ये उसका, क्योंकि हर किसी की नीड रिक्वायरमेंट अलग होती है ना, हर किसी की नीड रिक्वायरमेंट अलग होती है। आप फैमिली लेके जाओगे तो आपको एक अलग लार्ज साइज का रूम की रिक्वायरमेंट होगी, आप सिंगल जा रहे हो तो एक छोटे साइज के रूम की रिक्वायरमेंट है। तो डिपेंड कर रहा है आपको कौन सी क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग होटल ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी। लेकिन आप जब कंपेयर कर रहे हो तो अब आपको वहाँ पर गैप दिखने को मिलेगा। इन चारों गैप की फुलफिल हो जाने के बाद सर्विस जब डिलीवर्ड हो जाती है तो एक फिफ्थ गैप इमर्ज हो जाता है, ये होता है बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड रिसीव्ड एक्चुअल क्वालिटी। यहाँ पर तो कस्टमर ने कुछ रिसीव कर लिया है, अभी तक तो रिसीव कर लिया था और उस पर उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, कुछ आशा थी, लेकिन एक्चुअल में कुछ और आया। यहाँ जो गैप इमर्ज हो गया इसको फिफ्थ गैप बोलते हैं। अब ये मैं सारे गैप आपको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन तीन तक तो आप समझ ही गए थे। फोर्थ के अंदर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है और फिफ्थ के अंदर एक्चुअल सर्विस और इसके बीच में गैप है, ठीक है। इसका चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एग्जाम के अंदर एज इट इज़ बनाना है, क्योंकि ये चार्ट कब से, जब से मैं पढ़ रहा हूँ MBA, यानी कि मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, 2009 में मैंने मेरा MBA स्टार्ट किया था, 11 में कंप्लीट किया था, है ना। तो जब मैंने MBA मेरी डिग्री कंप्लीट करी थी तब भी ये चार्ट इसी तरीके का दिखता था और आज भी ये चार्ट इसी तरीके का दिखता है। और मैं ये बताता हूँ, मेरे एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेरा माइनर मार्केटिंग था, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट गैप यहाँ पे है, कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में गैप, जहाँ पर परसेप्शन का गैप है ना। वो कुछ और सोच रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, उसको पता है कि हमको दाल तड़का पसंद है और वो दाल फ्राई ले आया। तो ये इस तरीके का गैप जब इमर्ज हो गया तो ये वाला फर्स्ट गैप है। सेकेंड गैप आपका यहाँ पर होता है जब वो आपको सर्विस की कौन सी मिल रही होती है, सर्विस की क्वालिटी के ऊपर जो गैप हो रहा होता है वो वाला गैप सेकंड गैप होता है। जब सर्विस मिल रही है उसकी जो डिलीवरी की स्टाइल है उसके ऊपर जो गैप इमर्ज होगा ये, और यहीं पे डिलीवरी होते समय हमको एक्सटर्नल जब कोई कम्युनिकेशन हो जाता है इसके कारण गैप होता है, तो ये वाला गैप इमर्ज हो गया। अब ये सर्विस मिल गई उसके बाद एक्सपेक्टेड और रिसीव्ड के बीच में ये फिफ्थ गैप हमारा इमर्ज हो जाता है। क्लियर हो गया, बस इसको यहाँ से जोड़ देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक बार पॉइंट पढ़ोगे याद करोगे याद हो जाएगा, कोई इसमें बेसिक है बेसिक बिल्कुल। आई होप ये क्लियर हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जल्दी दूसरे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। जय हिंद।